पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संरक्षित प्रजाति के 3 जिंदा कछुओं के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि रविवार की रात्रि मुखबिर ने सूचना दी कि विजयनगर तिराहे से 2 युवक कछुओं की सप्लाई करने जा रहे हैं, जिस पर टीम गठित कर विजयनगर तिराहे की घेराबंदी की गई। देर रात को एक युवक के कंधे पर जूट की बोरी लेकर आता दिखाई दिया। उसमें 3 बड़े कछुए आपको बता दें बरामद हुए हैं। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम उत्तर प्रदेश जिला बदायूं थाना बिसोली के 4 बाग निवासी अभिषेक तथा साजन बताया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए युवक लंबे समय से दिनेशपुर कछुए की तस्करी कर रहा था। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जिस प्रकार पुलिस मुख्यालय से हमें बार बार आदेश मिलते हैं कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्रवाई करनी है, तो उसी संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी निर्देशित किया जाता, क्राइम मीटिंग में भी निर्देश दिए गए थे कि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और अंकुश लगाया जाए। इसी कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 27/8/2023 को 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिसका नाम है अभिषेक पुत्र कामेश और साजन पुत्र राजवीर। ये जिला बदायूं के रहने वाले हैं। तो दोनों से 3 कछुए बरामद किए गए हैं और ये दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं, जिसमें FIR दर्ज की जा चुकी है और 950 और 51 वन जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से इन्हें सब जेल भंडवानी भेजा जा चुका है।